आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फूरियर सीरीज में चेंज ऑफ इंटरवल एंड फंक्शन हैविंग आर्बिट्री पीरियड में हम लोग कैसे फंक्शंस को वैल्यू चेंज कर सकते हैं. सो लेट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस सी एंड प्लस सी. मान लेते हैं कि एक फंक्शन है जो कौन से माइनस सी और प्लस सी के इंटरवल में डिफाइंड है. नाउ वी वॉन्ट टू चेंज द फंक्शन टू बी to the period of 2 pi so that we can use the formula of en and bn. अब इसको हम लोग periodic functions के 2 pi के period में change करना चाहते हैं ताकि Fourier series में जो हमारा Fourier coefficient find कर सकते हैं en और bn उसमें हम लोग इसको use कर सकें. So let since therefore 2c is the interval of variable x. यहाँ पे टोटल इंटरवल मेरा क्या हो जाएगा माइनस सी से प्लस सी है दैट मीन्स टोटल इंटरवल टू पीरियड हो गया 2c. सो 2c इज इंटरवल ऑफ वेरिएबल x. सो इफ 1 इज द इंटरवल ऑफ फॉर द वेरिएबल देन इट विल बी x डिवाइडेड बाय 2c एंड फॉर यूजिंग द पीरियड ऑफ 2 पाई वी हैव टू यूज 2 पाई इज द इंटरवल फॉर द वेरिएबल x इनटू 2 पाई डिवाइडेड बाय c. सो इट विल बी बिकम्स पाई x डिवाइडेड बाय c. Now putting z is equal to pi x by c or x is equal to zc by pi, we have the function fx, x ke jagah pe hum logo put karna hoga, zc divided by pi. So fx of the period 2c is transformed to the function, ye function transformed ho jayega, f x ke jagah pe zc ya cz divided by pi. Is cz divided by pi ko hum logo assume kar lete hain capital Z. So फंक्शन एफ ऑफ जेड कैपिटल फंक्शन एफ जेड ऑफ पीरियड 2 पाई. सो दिस फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड इन ए फूरियर सीरीज लाइक कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू इसका वैल्यू है स्मॉल एफ सी जेड बाई पाई. सो स्मॉल एफ सी जेड बाई पाई फूरियर कोफिशेंट में इसको हम लोग लिखते थे ए नॉट बाई टू दैट इज फर्स्ट फूरियर कोफिशेंट प्लस ए वन इंटू an into cos series that is a1 cos z plus a2 cos 2z. Similarly for sine series we have b1 sin z, b2 sin 2z and so on where a0 is equal to 1 by pi 0 to 2 pi fz dz. अब ये function जो है किसमें change हो गया capital fz में change हो गया इसलिए यहाँ पे हम लोग fz dz लिखेंगे और capital fz dz का value है हमारा small f cz by pi. तो small f cz by pi. नेक्स्ट हमारा cz by pi में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. सो cz by pi में हम लोग जानते हैं कि z का वैल्यू है pi x by c. तो z का वैल्यू pi x by c यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे dz के जगह पे और इसके जगह पे cz by pi, cz by pi का वैल्यू हम लोग x लिए हैं. सो ये x के जगह पे पुट हो गया और pi के जगह पे 2 pi जो है पीरियड ये शुरू में हम लोगों ने लिया था 2c का पीरियड. यहाँ पे हम लोगों ने लिया है ये जो पीरियड है वो 2c का है तो इसको 2c में हम लोगों ने चेंज कर देंगे तो ये 2c में चेंज हो गया और 1 बाई पाई हो जाएगा 1 बाई सी. सो 1 बाई सी 0 टू 2c एफ एक्स डी ऑफ जेड के जगह पे पाई एक्स बाई सी. सो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई सी एफ एक्स डी एक्स. ठीक है जेड इज इक्वल टू पाई एक्स बाई सी हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. सो ए नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई सी 0 टू 2 सी एफ एक्स डी एक्स. इसके जगह पे हम लोगों ने जो वैल्यू है सी यहाँ से ये बाहर निकला. सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ जेड कॉस एन जेड डी जेड. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे जेड का वैल्यू पुट करेंगे सी जेड बाई पाई कॉस एन जेड डी जेड का वैल्यू पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई पाई को चेंज करेंगे सी में तो 0 टू 2 सी का ये इंटरवल हो गया एफ एक्स सी जेड बाई पाई की जगह पे ये एफ एक्स हो गया कॉस एन पाई एक्स बाई सी. जेड का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए डी ऑफ पाई एक्स बाई सी. अब ये पाई एक्स बाई सी से ये सी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो सिंपली और पाई बाहर निकला तो ये हो गया पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. ये पाई जब बाहर निकलेगा तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा सी बाहर निकलेगा डी का डी एक्स हो जाएगा. सो ये एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स सी डी एक्स. सो ए एन का वैल्यू हो गया 1 बाई सी 0 टू 2 सी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स सी इंटू डी एक्स. सिमिलरली बी एन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं 1 बाई सी 0 टू 2 सी
एफ एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी डी एक्स। सो ए नॉट का वैल्यू इस सीरीज में हमारा हो गया, जब हम इंटरवल चेंज कर रहे हैं तो 1 बाई सी 0 टू 2 सी एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से अगर इंटरवल हमारा माइनस सी से प्लस सी हो तो उसमें हम लिखेंगे 1 बाई सी माइनस सी टू प्लस सी एफ एक्स डी एक्स। उस तरह से ए एन इज इक्वल टू 1 बाई सी 0 टू 2 सी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स पाई डी एक्स। तो यहाँ पे एन हो जाएगा, अगर माइनस सी से प्लस सी लिखना चाहे तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे इंटरवल चेंज कर देंगे। उस तरह से बी एन इज इक्वल टू 1 बाई सी 0 टू 2 सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स सी टी एक्स। सो बी एन इज इक्वल टू 1 बाई सी माइनस सी प्लस सी एफ एक्स कॉस सॉरी साइन एन पाई एक्स सी इंटू टी एक्स। तो इस तरह से आर्बिट्री किसी भी पीरियड के वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं और इसको चेंज करते हुए हम लोग फूरियर सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं, फूरियर कोफिशिएंट को इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।